Once again, I welcome you all of you in my English class. पिछले वाले चैप्टर में जो है हमने चैप्टर देखा था पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी बाय रिटन बाय अशोक सिंह. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वन ऑफ द आरपीएससी कोर्स चैप्टर ड्रॉट. ड्रॉट जो है चैप्टर है पनोरमा जो बुक है उसमें दिया हुआ है एंड इट इज रिटन बाय शरदचंद्र चटर्जी. शरदचंद्र चटर्जी है वो तो ऐसे जो है राइटर है वो ऑलवेज राइट्स अबाउट द सफरिंग्स ऑफ द पुअर पीपल ऑफ द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द टॉर्चर्ड पीपल. हमेशा वो ऐसे दबे कुचले डाउन ट्रोडन पीपल उनके बारे में जो हमेशा लिखते हैं इन राइटिंग्स. देयर इज ऑलवेज अ स्टोरी अबाउट these kinds of people. So this is one of them, Drought. Drought जो है कहानी की character की बात कर रहे हैं. Gaffur is the main character of this story and his daughter Amina and his bull named Mahesh. Mahesh जो है उसका bull है. Amina उसकी बेटी है. Trish Tarakratan, Tarakratan is priest and बंसी इज वन ऑफ द शॉपकीपर एंड मेनी और अदर्स कैरेक्टर्स आर देयर बट दीज आर द इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स. जब स्टोरी शुरू होती है तो आप पाते हैं कि जो जो काशीपुर गांव इट इज द स्टोरी ऑफ द विलेज. काशीपुर काशीपुर की कहानी है. काशीपुर इज द विलेज वेयर द लैंडलॉर्ड शिबू बाबू dominated the all the village. सारे गांव में उसका जो है प्रभुत्व चलता था. he tortured the poor people को poor peasants उनको वो torture करता था exploit करता था उनको. beginning में हम पाते हैं कि वहाँ पर जो जो है गफूर अंदर है घर के अंदर है and तारपतन प्रिस्ट passes from there, वहाँ से गुजरता है and he sees that Mahesh was tied in the shadow of a acacia tree. उसको देखता है कि बैल वहाँ पे बंधा हुआ है and he calls Gaffur. Gaffur comes out and he asks him why have you tied this bull in the hot sun? इतने गर्मी में कैसे बांध रखा है एंड आई थिंक दैट यू हैव नॉट हैव गिवन हिम इनफ टू ईट. गफूर उसको बोलता है खाना पर्याप्त नहीं है आपको इसका जो चारा हैव यू नॉट गॉट द शेयर योर शेयर ऑफ दिस ईयर. इस साल का तुमको अपना हिस्सा नहीं मिला है. तो गफूर उनको बताता है कि ये तो जो लगान था पिछला वाला उसका उन्होंने जमींदार साहब ने काट लिया. So I don't have enough food for ourselves. How can I feed this animal? ये जानवरों के जब हमारे पास कुछ नहीं है. And the rest of the grass I have used in making the roof. और जो घास थोड़ी बहुत थी उसका जो छप्पर जो है बना दिया अब तो वो भी नहीं. और जो रूफ है जो घर की रूफ है इट लीक्स इन द रेनी सीजन में लीक करती है. पिता और पुत्र पता नहीं कैसे मैनेज करते हैं. वी हैव टू अवेक ऑल द नाइट. पूरी रात भर जो है एक कोने में जो दुखे हुए हैं हमें रात बितानी पड़ती है. सो दिस इज द कंडीशन आफ्टर क्रिस्ट द वीक हैज पास्ड. Amina told Gaffur that money was servant has told her that Mahesh was sent to police pen and from there they would sell him at the cattle market. Amina की मतलब ये कि भी बैल जो महेश जो है उसको जो है cattle market police pen में बेच दिया गया है और वहाँ से वो तीन दिन बाद भी उसको कैटल मार्केट में बेच देंगे.
Amina does not know the meaning of the word cattle market. Amina does not know what a cattle market is. Cattle market क्या होता है वो, मवेशी बाजार क्या होता है वो जानती नहीं है. But she very well knew that whenever this word was mentioned in terms of the bull Mahesh, Kapoor got anxious, used to get anxious. जब भी महेश के मामले में कैटल मार्केट शब्द का मतलब आता था तो गफूर जो है बहुत ज्यादा चिंतित हो जाता था, बहुत चिंत रहा है. So on hearing this, Gafur went out and he went to Bansi's shop. Bansi की दुकान पे गया and put there a brass plate. Brass plate वहाँ पे रखी and asked and borrowed 1 rupee from there. वहाँ से 1 rupee उसने उधार लिया. Bansi knew this thing very well. Brass plate को अच्छी तरह से जानता था because many times he lent money to Gafur on the security of this object. इस जमाने में उसने कई बार उसको पैसे दिए थे. सो दिस टाइम ही आल्सो लेंड हिम मनी, दिस बार भी पैसे दे दिया. सो नेक्स्ट डे महेश द बुल वाज एट हिज यूजुअल प्लेस, वहां पे था. और शायद इसी बीच क्या है, कुछ लोग वहां उसको खरीदार भी आ गए. शायद कपूर ने जो है जमानत भी ले ली, सॉरी उसकी जो है पेश की रकम भी ले ली थी. एंड वो कुछ आदमी आए थे बैल का निरीक्षण करने के लिए. वो शायद ही वाज गोइंग टू सेल, उसको बेचने जा रहा था. दे वर एग्जामिनिंग हिम एंड आफ्टर इट दे द मैन हु हैड कम टू बाय द बुल गेव गफूर 10 rupees नोट. बट गफूर थ्रू इट, गफूर ने उसको फेंक दिया. शायद उसने अपना डिसीजन चेंज कर लिया. बैल उसको बहुत ज़्यादा प्रिय था उसको देखते हुए, और उसको जो एडवांस मनी थी वो उसको फेंक दी. लेकिन अब क्या हो सकता था, खुद का पालन पोषण करना था, बैल का भी पालन पोषण करना था. सो ही वंडर्ड हियर एंड देयर. ही आस्क्ड फॉर राइस वाटर, चावल का पानी मांगा लोगों से. हियर एंड देयर एंड फेड महेश, महेश को खाना मिला उसने. सो इट वॉज द मिडल ऑफ द जून, जून का महीना था. बट देर वॉज नो रेन, जैसे कि चैप्टर जो है उसका जो टाइटल से जो है ड्रॉट. सो इट वॉज कम्प्लीटली ड्राई प्लेस, बहुत ज़्यादा सूखा स्थान था. देर हैड बीन नो रेन फॉर मेनी ईयर्स, बहुत साल से कोई वर्षा नहीं हुई थी. अब गफूर की स्थिति और भी गंभीर हो गई. His fever had gone, but still there was some weakness in his body. Body में कमजोरी थी. He went here and there in search of job के तलाश में गया, but did not find anyone. कुछ भी नहीं मिला. He returned home, was very angry. जिसको जब ऐसे आदमी को जॉब नहीं मिलता, पैसा नहीं, तो थोड़ा सा गुस्सा आना it is very natural, बहुत natural होता है, गुस्सा आ गया. He asked Amina, is food ready? खाना तैयार है? उसको मालूम नहीं कि खाना है ही नहीं, पूछा तो गुस्सा आ गया उसको. At least give me some water, पानी दे दो. But there was no water. So he got very angry and slapped his daughter. बेटी के चाटा मार दिया. बेचारी को वहां से पानी की मिट्टी में चलती बाहर चली गई. He knew, वो जानता था इस बात को. And he repented, वो पछताया भी on his act. But what could he do? लेकिन क्या कर सकता था उसको, वो जानता था कि भाई खाना नहीं है, वो कहाँ से लाएगी चाहिए. और पानी, पानी की बात करें, there were 3 tanks in the village. 3 तालाब थे. 2 tanks had already died. 2 तालाब पहले सूख चुके थे. एंड 1 tank वॉज द प्राइवेट टैंक ऑफ शिव बाबू का प्राइवेट टैंक था. बट इट वॉज नॉट फॉर द पब्लिक, पब्लिक के लिए नहीं था. और जू से जो तालाब थे कुछ गड्ढे खोदे गए थे, उनको डग किया गया था
थोड़ा बहुत पानी आता था उसमें भी लाइन लग जाती थी, देयर वाज ए लॉन्ग रॉ। और इस छोटी सी बच्ची का जो नंबर भी नहीं आ रहा था, दे पुश्ड हर आउटसाइड, धक्के के बाहर निकाल देते थे। और अगर किसी को दया थी तो पानी लेके आ जाती थी। और आज लगता है उस पर किसी ने दया नहीं दिखाई होगी। सो टुडे नो वन फाउंड टाइम टू टू टेक पिटी ऑन हर, आज उसको टाइम नहीं मिला और इसी वजह से वो ऐसी थी। अमीना वेंट आउट टू ब्रिंग वाटर। इसी बीच क्या होता है, इन द मीन वाइल द मैसेंजर ऑफ द लैंडलॉर्ड केम देयर एंड ही टोल्ड गफूर दैट द लैंडलॉर्ड हैड कॉल्ड हिम, उसको बुलाया है। गफूर वॉज वेरी फ्रस्ट्रेटिंग एट दिस टाइम, बहुत ज्यादा दुखी था। ही वॉज वेरी इरिटेटिंग एट दिस टाइम। सो ही टोल्ड हिम दैट वी आर नोबडी स्लेव, हम किसी के गुलाम नहीं है। सो इट वॉज अनबियरेबल फॉर द मैसेंजर, मैसेंजर के लिए बहुत पैसा था। सो ही वॉज ड्रैग्ड to the landlord's house and was beaten there. पूरी तरह से उसको पीटा गया। And for the cause of his beating was Mahesh. उसकी पिटाई का कारण महेश था। He has entered into territory of the landlord and he has also hurt his daughter. बेटी को भी चोट पहुंचाई थी बहन ने, उनके जो बगीचे में घुस गया था वो बैल, और इसी वजह से उसको बुलाया गया था। But गफूर ने जो है, if he went there and asked for mercy, he was forgiven. Like any many other occasions, उसको अगर वो जाता माफी मांगता तो शायद उसको और अवसर पर माफ कर दिया जाता। But this time it was too much for the landlord. बहुत ज्यादा, क्योंकि गफूर ने ये बोल दिया था we are nobody, इसलिए हम किसी गुलाम नहीं, इसी बात को सो गया। तो इस संसार में क्या होता है, किसी गरीब का जो है, गरीब व्यक्ति का जो सत्ता में व्यक्ति है, जो ताकतवर व्यक्ति, उसके सामने जो है ऊंची आवाज में बात करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, खतरनाक है। एंड सो दैट इज व्हाई दिस हैपेंड विथ गफूर। गफूर रिटर्न होम, हिज फेस एंड हैंड्स वर स्वॉलन, सूजे हुए थे उसके हाथ में, उसका चेहरा सूजा हुआ। So this was clear that he was beaten, beaten there. बहुत बुरी तरह से उसको वहाँ मारा गया था। When Amina returned from there, then Gafur heard his her voice. He heard her screaming, चिल्ला की आवाज आई। So he went there and found that Amina fell down and the pitcher which she had carried was also fell down. And Mahesh, the bull, was sucking that water that was there. वहाँ पर जो पानी था उसको वो पी रहा था। इस पे भी गुस्सा हो गया वो। He also lost self control. So he seized a plow, जो हल था वहाँ पड़ा हुआ था उसको पकड़ा, and he strictly, violently struck it on the head of the bull, बैल की जो है उस पर मार दिया। On this one blow, the bull Mahesh fell dead, मर गया। Although गफूर वॉज वेरी रिपेंटेड, बहुत ज्यादा। सम टाइम द टेनर्स हु लिव्ड आउटसाइड द विलेज केम देयर एंड दे टुक आउट द डेड बॉडी ऑफ द बुल। जो चरण शोध थे चमड़ू ताने वाले वो गांव के बाहर रहते थे, वो आए और महेश की जो है लाश को ले गए। एट मिडनाइट गफूर अराउज्ड हिज डॉटर, अपनी बेटी को उसने जगाया and asked him to go with him, उसके साथ चलने के लिए कहा। She asked where they were going,
So he told her that they were going to full parade at the jute mill. तो बताया कहाँ जा रहे हैं पिताजी भी कि हम जूट मिल में जा रहे फ्रूट लिख रहे सो देर इज नथिंग इन दिस विलेज फॉर अस हमारे इस गांव में हमारे लिए कुछ भी नहीं है व्हेन अमीना वाज गोइंग टू टेक अवे द ब्रास प्लेट उस कांटे की थाली को जब लेने जा रही थी सो गफूर फॉरबेड हिम मना कर दिया He told her that it would be used for the pinions of for Mahesh. Mahesh के जो pinions के लिए काम में आएगी. Pinions क्या होता है? एक तरह से प्राश्चित होता है. एक आर्थिक दंड होता है जो कि पहले के जमाने में जो है किसी भी जानवर को मारने पर जो है pinions दिया जाता था. It is an act to show that one is sorry for his mistake. ये इस कार का जो है act है जिसमें कि कोई दिखाता है कि उसको अपने कर कारनामों पर पछतावा है अपने कार्य पर पछतावा है सो इट इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट तो इस तरह से तो हम देखते हैं गप्पू ऑनेस्टली लास्ट में भी ऑनेस्टली जो है वो अपने उस दंड के लिए अपनी ब्रास प्लेट को वहां छोड़कर जाता है सो इन दिस वे द स्टोरी एंड्स हियर कहानियां भी खत्म होती है आई होप आपको काफी अब तक जो है समझ में आया होगा So keep watching my video, subscribe, like and share.